अच्छा है बोल रही हूँ, तो क्या मैं तुझ पर जुल्म करने वाला हूँ? सादारो अजरो को मना, लेकिन वो वक्त आ गया, इस मलऊना ने उस राही में जहर मिला दिया जो मेरे इमाम के सरहाने रखा था। सादारो इमाम जानते थे, लेकिन अल्लाह की मशीयत यही थी, अल्लाह की मशीयत ये थी, इमाम ने एक घूट उस पानी को पिया। सादारो जिगर के टुकड़े कट कट कर आना बाहर शुरू हुए, इधर से बीबी जैनब आगे बढ़ी, इमाम कासिम को सीने पर लिटाया, अभी भी फरमा ने उसके बाद हटा दिया, कहा नहीं उम्मे फरमा, मेरे इस्लाम को मेरे सीने पे रहने दो, और मेरे सीने की आग ठंडी हो जाती है। असादारो फिर एक ताबीज लिखा, कहा उम्मे फरमा एक वक्त वो आएगा। भाइयों को भाइयों से कितनी मोहब्बत होती है, असादारो एक ताबीज लिखा उम्मे फरमा एक वक्त वो आएगा, मेरा भाई तनहा जहमात को तमाम किया। अजादारो वो आज अभी शबीए ताबूत बरामद होगी, ये वाहिद जनाजा है। आप कहते हैं शिया रोते क्यों है, मैं कहूंगा ये क्यों नहीं कहते, शिया मर क्यों नहीं गए, और ये तारीख का वाहिद जनाजा है जो घर से दो मर्तबा उठा और एक दफा बहनों ने तैयार किया, सफेद रंग का कफन पहनाया। अजादारो इधर लगे, इमाम हसन की वसीयत थी, मुझे नाना से बहुत मोहब्बत है, मुझे नाना की जवान पे दफन करना। उधर से इसरार बढ़ता रहा, हम दफन नहीं होने देंगे। अजादारो इधर से ये जनाजा उठा, आप अभी ताबूत बरामद होगा, ये ताबूत जो हम निकालते हैं, ये जो शबीए ताबूत है, अजादारो इसकी शक्ल मुख्तलिफ है, इसकी दीवारें लकड़ी की होती है, लेकिन जो ताबूत वहां उठा था, अगर लकड़ी होती शायद कुछ भी उस लकड़ी में लग जाते, लेकिन मेरे आका हसन का जनाजा एक शरीर पर उठाया गया, वो तारीख ने लिखा 70 दिन मेरे आका के जिस्म में बेबस हो गए। अजादारों बहनों ने सफेद कफन पहनाया था, वो जब वापस दरवाजे पर आता है जनाजा, अजादारों अब कफन सफेद न था, आपकी मजलूमियत बहुत ज्यादा है, आका आज आपकी कब्र पर सुराग भी नहीं जा रहा, आज आपकी कब्र पर कोई मजार भी नहीं है, आज आपकी कब्र पर अजादारों गुंबद बंद रही है, लेकिन मैं कहूंगा आका हसन आपका जनाजा घर वापस आया, आपकी बहनों ने तीर निकाले, कर बना की गर्म रेत पे
कर न कोई कफन पहना सका न कोई जनाजा उठा सका अला लानतुल्लाह अलल कौम जालिमीन।